मैं हूँ आपके साथ मीखा और वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम बीबी रिव्यू, जहाँ पर आपसे चर्चा होगी फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 को लेकर। बिग बॉस सीजन 13 ने खूब सारे मसालों को जन्म दिया है, ये बात आप सब जानते हैं। इस शो को लेकर लगातार खबरें सुनने में आ रही हैं, ये शो लगातार चर्चा में बना हुआ है। बिग बॉस सीजन 13 सुर्खियां बटोर रहा है और इन सबके बीच में हर कोई कह रहा है ट्रॉफी सिद्धार्थ शुक्ला जो घर लेकर गए हैं, ये ट्रॉफी रश्मि या आसिम, इन दोनों में से किसी एक के हाथ में जानी चाहिए। ये ट्रॉफी रश्मि देसाई या आसिम रियाज, दोनों में से किसी एक को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बिग बॉस के डिजर्विंग विनर हैं। ये दोनों ही हैं जो विनर बनना डिजर्व करते हैं। बता दें आपको, जैसे ही 15 फरवरी को सिद्धार्थ शुक्ला के विनर बनने की अनाउंसमेंट हुई, चैनल पर बायस्ड होने का स्टैंप लग गया। सलमान खान को लोग ट्रॉल करने लगे, क्योंकि हर कोई टॉप टू में रश्मि और आसिम को देख रहा था। जीतते हुए रश्मि आसिम दोनों में से ही किसी एक को देख रहा था, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जीत गए। अब हिमांशी खुराना बिग बॉस के कंटेस्टेंट, उनसे सवाल किए गए इन्हीं मुद्दों पर, उनके सामने सवाल उठाए गए इन्हीं सब को लेकर। सवाल पूछे गए हिमांशी से कि आपको भी लगता है बायस्ड हो गए बिग बॉस, क्या आपको भी लगता है गलत कर गए बिग बॉस? हिमांशी खुराना ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, सुनिए जरा। बिग बॉस सीजन 13 का अंत हो चुका है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। सबसे बड़ा विवाद यहाँ पर सुनने में आ रहा है सीधे तौर पर रश्मि देसाई और आसिम रियाज को लेकर। हर कोई कह रहा है कि रश्मि और आसिम बिग बॉस सीजन 13 को जीतने के लायक थे। हर कोई कह रहा है कि रश्मि और आसिम बिग बॉस को जीत सकते थे, इन्हें जानबूझकर हराया गया है, इन्हें जानबूझकर इतना ज्यादा पीछे छोड़ा गया है। हर कोई कह रहा है कि रश्मि और आसिम में बिग बॉस को जीतने की कैपेबिलिटी थी, रश्मि और आसिम में बिग बॉस को जीतने का जज्बा था। अब इन सबके बीच में इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं आखिर इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हिमांशी खुराना का। बता दे आपको, बिग बॉस सीजन 13 का अंत हो जाने के बाद हिमांशी खुराना के साथ जमकर पार्टी की जा रही है। हिमांशी खुराना के साथ जमकर मौज मस्ती की जा रही है, और इन सबके बीच में हिमांशी रश्मि आसिम का दोस्ताना हर जगह चर्चे बटोर रहा है। हिमांशी रश्मि आसिम की दोस्ती हर जगह पॉपुलर हो रही है। इन्हीं सबके बीच में एक खास इंटरव्यू हुआ हिमांशी खुराना का, जहां हिमांशी से रश्मि देसाई को लेकर, आसिम रियाज को लेकर, बिग बॉस के विनर को लेकर कई तरह के सवाल किए गए। क्या सिद्धार्थ शुक्ला डिजर्विंग रहे? बुरा नहीं लगा कि सिद्धार्थ जीत गए और आसिम रश्मि नहीं जीते? आखिर अब आपके और आसिम के रिश्ते की इक्वेशन क्या है? आपका और आसिम का ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब इस रिश्ते से आगे आप लोग क्या सोचने वाले हैं? रश्मि के साथ आपकी दोस्ती कैसी है? इस दोस्ती को आगे कहां लेकर जाएंगे? और भी कई तरह के सवालों का सामना हुआ हिमांशी खुराना से, और हिमांशी ने एक के बाद एक काफी ज्यादा बोल्डली सारी बातें कही। हिमांशी ने साफ तौर पर बताया कि उन्हें क्या लगता है। हिमांशी बताती हैं बिग बॉस की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, और वो कहती हैं क्या कुछ, सुनिए जरा। वेलकम, थैंक यू। यू नो बिग बॉस इस साल का सबसे चर्चित शो रहा है, एंड आप भी उस चर्चित शो के एक हिस्सा रह चुकी हैं। अभी बताइए कि किस तरीके से लाइफ में बदलाव आ गया है बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद? नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। जैसे मैं पहले थी वैसे ही अभी हूँ, और हाँ, अच्छे दोस्त बने हैं और अच्छी मेमोरीज बनाई हैं, और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस साथ लेके जा रहे हैं। हिमांशी, इसके अलावा आसिम जो है टॉप टू में है, उसकी बहुत खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी है इस बात को लेकर कि विनर नहीं बने, जबकि सब लोग बोल रहे थे कि आसिम को ही जीतना चाहिए। हाँ, हम सब चाहते थे कि वो विनर बने,
होप भी कर रहे थे और मेरी तो आंखें बंद थी और हार्ट बीट बहुत फास्ट थी कि अभी आसिम का नाम ले दें और हम सब भाग के जाएं, क्योंकि विशाल मेरे पीछे बैठे थे, हम सब चाहते थे और उनकी फैमिली मेरे इस तरफ बैठी थी तो. लेकिन जब ऑल ऑफ सडन नाम लिया तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन इट्स ओके. लेकिन ट्रॉफी से आई डोंट थिंक सो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोग तो हर जगह चैंट कर रहे हैं आसिम आसिम आसिम, सो आई थिंक इज़ अ विनर. लेकिन हिमांशी, यू नो, जैसे कि आपने कहा फैमिली साथ में बैठी थी, कुछ बात हुई उनकी आसिम की फैमिली से, आपकी क्या बातें हुई? जैसे शो ख़त्म हुआ ना, मैं थोड़ा पीछे पीछे खड़ी हो रही थी, बिकॉज मेरी ज़्यादा और किसी से तो इंटरेक्शन होती नहीं थी. रश्मि भी बिज़ी थी, तो मेरी थोड़ी आदत है कि मैं एक स्पेस इन्जॉय करने देती हूँ सामने वाले पर्सन को. तो आसिम को मैं पीछे खड़ी हो गई एंड उनकी फैमिली और उनकी मॉम, शी वॉज़ वेरी इमोशनल एंड उनको हग किया जाके. लेकिन आसिम वॉज़ लुकिंग फॉर मी एंड उन्होंने हाथ पकड़ के, ही वॉज़ लुकिंग फॉर मी एंड हाथ पकड़ के सीधा अपने पेरेंट्स के पास ले गए कि सी शी इज़ द गर्ल जिससे मैं मिलवाना चाहता था. एंड मैं बहुत तब भी शाय फील कर रही थी, मैं उसको बोल रही थी रिलैक्स रिलैक्स ओके, लेकिन मैं बोल रहा नहीं, मतलब मैं पहली बार अपने फादर के से किसी लड़की को मिलवा रहा हूँ. एंड यू नो आसिम घर के बाहर आने के बाद में आसिम ने क्या बात की आपसे और क्या था उनका जो रिएक्शन था? बहुत सारी बातें की हमने, बहुत सारी चीज़ें बिग बॉस के बारे में तो नहीं की, लेकिन हम पर्सनल, हमारे रिलेशनशिप पे, फैमिलीज पे, और अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने, मी, रश्मि, उमर एंड आसिम, जैसे आसिम के कज़न, तो हम सब साथ में थे, हम बहुत फ़न किया हमने. तो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, बिकॉज़ वो भी 4 महीने बाद घर से बाहर आए हैं, तो उनका मेंटल हेल्थ एंड उनके उनको एक कम्फर्ट जोन देना बहुत ज़रूरी था. हिमांशी, इसके अलावा आसिम जब रनर अप हुए, उनका क्या रिएक्शन था जब आप लोगों ने उनको मिले रनर अप होने के बाद, तो उनका क्या रिएक्शन था, वो क्या सोच रहे थे? पिछले 3 दिन से बीच बीच में वो थोड़ा सा बोलते हैं कि यार ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन जब इंटरनेट हमने उनको दिया नहीं था आगे, हम नहीं चाहते थे. लेकिन लास्ट 1 दिन पहले जब उनका फ़ोन उनके हाथ में आया, तो वो सर्व कर रहे थे, हर जगह देख रहे थे कि वीडियोस, फ़ैन, लिटरली लोग, फैंस रो रहे हैं और बहुत उनके नाम पे, ही इज़ अ फर्स्ट रनर अप, लेकिन इंटरव्यूज़ भी उन्हीं के वायरल हो रहे हैं, हर जगह आसिम आसिम हो रहा है. तो इट्स लाइक मैंने शो जीत लिया, तो तुम्हें प्राउड फील हो रहा है? आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड फैमिली ने भी बोला, पापा को पूछा उनके कि आप खुश हो, लाइक आई एम प्राउड ऑफ यू. तो बड़ा अच्छा एक इमोशनल, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो चीज़ कि मैंने शो के लिए इतना किया तो ट्रॉफी तो चाहिए थी, लेकिन स्टिल ऐसा कहा जा रहा है कि कलर्स जो है कहीं ना कहीं बायस हो रहा है उनकी तरफ से. आज एक स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया गया है कलर्स की तरफ से. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? सॉरी, आई डोंट नो अबाउट द स्टेटमेंट. मतलब कोई बायसनेस नहीं है शो की, और जिस ने भी ये इंफॉर्मेशन दी कि ओके, मतलब अगर चैनल ये चीज़ बोल रहे हैं तो सी, एट द एंड क्या होता है, जब टीवी पे एक शो आता है, इट्स नॉट अबाउट द हीरो ऑल द टाइम. हीरो अगर है, कुछ लोगों को मतलब और भी शो के करेक्टर पसंद आते हैं, और समटाइम क्या होता है कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक शोले फिल्म में गब्बर वाज द विलन एंड ही वाज वेरी फेमस एंड लोगों ने बड़ा पसंद किया. सो शो में 14-15 लोग थे, तो उसमें से आसिम इज़ द वन जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला है और सबसे ज़्यादा लोग उसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो आई थिंक वही विनर है ना उस चीज़ के लिए. तो इट्स नॉट अबाउट द कलर्स ने किसको, टीम ने या चैनल ने किसको ट्रॉफी दिया है, इट्स अ क्राइटेरिया, ठीक है, लेकिन फॉर अस आसिम इज अ विनर. यू नो, व्हेन यू वेंट इनसाइड शहनाज़ के साथ में भी कुछ बातें थी जो आप करना चाहती थी, अब जब घर के बाहर आ गई हैं तो क्या चीज़ें हैं सॉर्ट आउट होने वाली है, उनसे बात होने वाली है, क्या होने वाली है? जब मैं कनेक्शन वीक में गई तो उनका बर्थडे था सेम डे, तो जब मैं एंटर हुई तो उनके ब्रदर भी साथ में थे, तो मेरे मॉम ने भी बोल दिया था कि उन्होंने अपोलोजाइ कर लिया है. आई थिंक जब नेशनल टेलीविज़न पे इतनी बड़ी बात होती है तो उसका क्लोजर भी वहीं होना चाहिए, ताकि
कल को आप लोग मिलो तो दिल में मलाल ना रहे, और उस चीज़ को ख़त्म करना इम्पॉर्टेंट है. वो अपने करियर में बिज़ी है, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, तो कभी कहीं किसी मोड पे मिलते हैं तो दिल में ये ना रहे कि हम एक दूसरे के लिए ग्रजेस लेके घूम रहे हैं. तो हम अंदर जब गए, उनके ब्रदर भी यही चाहते थे, और उन्होंने भी, शहनाज ने भी बहुत बार आसिम के पास बोला था कि मैं चाहती हूँ कि पैचअप हो जाए. वो अपनी तरफ से कंसर्न दिखा रही थी. तो हमारी बहुत बातें हुई हैं आपस में, लेकिन वो एयर नहीं हुई है. तो हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत फन किया. तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं. तो हिमांशी का कहना है, जब आसिम नहीं जीते थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन आसिम ने अपने दम पर इतनी लंबी जर्नी तय की है. आसिम अपने आप में विनर हैं. रश्मि देसाई की कंट्रोवर्सी पर चुप्पी साधने वाली हिमांशी खुराना साफ कह रही हैं कि उनका और आसिम का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है. सो गाइज, आज के लिए बिग बॉस रिव्यू में इतना ही. नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो. वी विल मीट यू गाइज सून विद सम मोर एक्साइटिंग अपडेट्स. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अस एंड स्टे अपडेटेड.